हेलो लवली डियर एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स। और आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एक ब्लॉग। यस फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, बिकॉज आज मैं जा रही हूँ नोएडा। यस फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले जैसे कि मैंने यूट्यूब पे अपडेट किया था एक लाइव के थ्रू कि मैं नोएडा जाने वाली हूँ, तो मैं आज जा रही हूँ नोएडा। और उसका रीज़न जो है मैं आगे आपको बताऊँगी इस ब्लॉग में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और जल्दी ही हम पहुँच जाएंगे नोएडा। अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock, तो करीब करीब हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर 11 o'clock, और वहाँ पर फिर स्टार्ट होगी मेरी जर्नी इन नोएडा। तो बस बने रहिए मेरे साथ में और मैं आपको बताऊँगी कि मैं नोएडा क्यों जा रही हूँ, किस चीज़ के लिए जा रही हूँ, और वहाँ पर भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरे साथ में मेरे हस्बैंड, मेरे डैडी एंड मेरे दोनों किड्स, तो हो सकेगा तो उनसे भी मैं आपको मिल पाऊँगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी आ गई हूँ एक सोसाइटी में, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मैं आई हूँ अपनी होम देखने के लिए। और मेरे साथ में है मेरे डैडी और मेरे हस्बैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में एक घर देखने वाले हैं, फ्लैट ले रहे हैं हम लोग। तो हो सकता है हम लोग थोड़ा अपना घर जो है वो शिफ्ट कर दें इधर NCR रीजन में, तो इसलिए हम आज इस सोसाइटी में आए हैं देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है सोसाइटी, नीट एंड क्लीन है बहुत। और you know, जो आसपास जो शॉप्स वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी सारी बनी हुई हैं, तो एज सच अगर हम यहाँ पे होम ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमको। और यहीं पे बात करने के लिए तो ये है मेरी डॉटर आन्या जो आगे आगे चल रही है, और ये स्लिपर्स ही पहन कर आई है घर की, बिकॉज सुबह सुबह इसको हमने उठा दिया था अर्ली मॉर्निंग, शी वॉज स्लीपिंग, तो इस वजह से वो कुछ अपने फुटवेयर्स नहीं पहन पाई थी। तो यस, अभी हम जा रहे हैं ऊपर सेल्स ऑफिस में यहाँ के जो बिल्डर्स हैं उनसे बात करने के लिए, फिर देखते हैं क्या रेट्स वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं स्क्वायर फीट वगैरह में, तो फिर हम फ्लैट्स अपना डिसाइड कर पाएंगे। अगर हमारे को इकोनॉमिकल पड़ेगा तो हम यहीं पे फिर फ्लैट ले लेंगे। ये है मेरा ड्रीम होम, तो चलिए एंटर करते हैं इस होम में। तो सबसे पहले एंटर करते साइड में ये एल शेप में यहाँ पर ड्राइंग रूम दिया हुआ है, और आप वॉल का टेक्सचर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, सी का उन्होंने बनाया हुआ है। एक्चुअली ब्लू एंड वाइट कलर का पूरा थीम है। ये डाइनिंग टेबल एरिया है। देन चलिए चलते हैं फर्स्ट रूम में हम, जो कि ड्राइंग रूम के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर भी आपको पूरी वाइट कलर की थीम मिलेगी एंड डार्क ब्लू कलर की थीम मिलेगी। और ये मैं हूँ मिरर में, हाय एवरीवन। तो या तो ये यहाँ पर थोड़े से डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं वो भी उन्होंने लगाए हुए हैं। और ये है यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम जैसे कि आप देख सकते हैं, और अटैच्ड बालकनी भी है इस रूम में, और वार्डरोब्स भी दी हुई हैं। और जो रूम है थोड़ा सा इस तरीके से है कि बालकनी जो है इस तरीके से ओपन होती है, तो बालकनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, बट बालकनी से जो व्यू दिख रहा है दैट इज़ क्वाइट गुड। तो ये रही इसकी बालकनी। देन देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस रूम में। तो ये बाथरूम है, अटैच्ड बाथरूम। फ्लोरिंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट या वॉल का जो टेक्स्चर है दैट इज़ क्वाइट गुड, वो अच्छा दिया हुआ है। तो या और पूरी मिरर की वॉल दी हुई है, तो दैट्स क्वाइट गुड लुकिंग। एंड चलिए निकलते हैं बाहर की साइड में और देखते हैं कि डाइनिंग टेबल का एरिया किस तरीके का है। तो ये है डाइनिंग टेबल, वाइट कलर की डाइनिंग टेबल दी हुई है, बहुत ही प्रिटी लग रही है, मुझे लगता है होम सेंटर से परचेज़ की हुई है। और जो सारी आपको क्रॉकरी दिख रही है वो भी होम सेंटर की है। चलिए चलते हैं दूसरे बेडरूम में। तो वाओ माय गॉड, दिस बेड इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड जो बेड का टेक्सचर है और जो बेड शीट है, बेड कवर दैट इज़ इन द मैचिंग, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये कुछ यू नो आर्किटेक्चर लगाए हुए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इस रूम में वार्डरोब नहीं दी हुई है उन्होंने, और लेकिन कोई बात नहीं है, बालकनी है, बालकनी काफ़ी स्पेशियस है इसमें।
ये हम आन्या का रूम बना सकते हैं, बिकॉज़ एक जो है वार्डरोब परचेज़ कर लेंगे तो वो फिट इन हो जाएगी। इस बालकनी से ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं है, बट ग्रिलिंग वगैरह हम लोगों को लगानी पड़ेगी ऑफ कोर्स। बाथरूम इसमें भी दिया हुआ है, अटैच्ड बाथरूम है, तो नो नीड टू चेक दैट आउट। चलिए चलते हैं अपने थर्ड रूम की तरफ। और ये ड्राइंग रूम की बालकनी जैसे कि आप देख सकते हैं, और डाइनिंग टेबल बहुत ही प्रिटी लग रही है, होम सेंटर से सारी शॉपिंग की हुई है। और ये जो है गाइज, ये है बेडरूम, एक और बेडरूम। एक्चुअली दिस इज़ द 4 BHK, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये वाला बेडरूम भी अच्छा है, इन्होंने डेकोरेट करके दिया हुआ है हमको, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और ये कुछ यहाँ पे वॉल टेक्सचर्स लगाए हुए हैं, पेंटिंग्स हैं। ये जो है गाइज वॉशरूम है, जो कि गेस्ट के लिए है। और ये आ गई हमारी किचन, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द होम। तो किचन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट किचन में बालकनी नहीं है, जो दैट्स द थिंग वी वर वरीड अबाउट। बट कोई नहीं, हम लोग चिमनी लगवा लेंगे, तो चिमनी से जो है सारा स्मोक आउट हो जाएगा। तो ये है इनका मास्टर बेडरूम, जो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करके दिया है। और वॉल पे आप देख सकते हैं मिरर की पूरी टेक्सचर दिया हुआ है, और टीवी यूनिट भी इन्होंने लगा दिया है यहाँ पर। तो ये है टीवी यूनिट, हालांकि हमारा जो टीवी है 42 इंचेस का है, तो इसमें फिट इन शायद ही हो पाएगा, तो हमको अपना टीवी ड्राइंग रूम में ही लगाना पड़ेगा। तो एसी भी इन्होंने फिट इन करके दिया हुआ है, और ये पिलोज़ मुझे चेंज करने पड़ेंगे, कुशंस। और ये रही मैं, हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक। तो या ये था मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट लाइक टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है सेकेंड होम जो हमने सिलेक्ट किया है। एक्चुअली वी आर कन्फ्यूज बिटवीन फर्स्ट होम्स एंड सेकेंड होम, तो ये एक सेकेंड होम है दूसरी सोसाइटी में। चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके का है। तो ये एंट्रेंस के तरफ ही एक छोटी सी लॉबी है, देन एल शेप में यहाँ पर भी ड्राइंग रूम की स्पेस है पूरी, सोफ़ा एंड डाइनिंग टेबल की स्पेस है। ये टीवी यूनिट दिया है, अगेन एज आई सेड हमारी टीवी 42 इंचज़ की है, इसमें भी फिट नहीं होने वाली। एंड देन इसका कुछ जो एरिया है वो इस तरीके से है, बिल्डअप इस तरीके से बनाया हुआ है। फर्स्ट रूम ये है, जो कि रेड कलर का इन्होंने शायद थीम रखी होगी, तो इस वजह से रेड बेडशीट जो है वो फ्लो इन हो रही है। और यहाँ से बालकनी का व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है, छोटी सी बालकनी है। हाँ, वार्डरोब काफ़ी अच्छी दी हुई है, काफ़ी स्पेशियस है, और इन्होंने कंपार्टमेंट्स भी अच्छे बनाए हैं, अच्छे से सामान सारा आ जाएगा। तो वार्डरोब के लिए बहुत बड़ा थम्सअप मैं दे रही हूँ इस वाले फ्लैट को। और आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा फ्लैट अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला। देन वी विल डिसाइड कि कौन सा फ्लैट परचेज़ करना है और कौन सी सोसाइटी में मूव इन होना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताना। तो चलिए देख लेते हैं इस वाले फ्लैट का किचन। तो इस वाले फ्लैट का किचन किचन कुछ इस तरीके से है, चिमनी इन्होंने लगा कर दी हुई है, और स्लैब वगैरह पर ये कोटा का काम है। एंड देन दिस इज़ द बाथरूम, बाथरूम काफ़ी स्पेशियस है इसके, आप देख सकते हैं। और इसका रूफ़ मुझे बहुत पसंद आ रहा है बाथरूम का। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा बेडरूम। तो इसमें जो बेड लगा के उन्होंने दिया है, वो टफ्टेड बेड लगा के दिया है। एज़ यू ऑल नो गाइस, कि टफ्टेड बेड जो बेड बेड टफ्टेड बेड आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं। और ये है अटैच्ड बाथरूम इसका। तो गाइस ये इस तरीके से है। आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि कौन सा फ्लैट आपको अच्छा लगा। बाय बाय।